देख रहे हैं सच दर्शन। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में चार दिन पहले घर में लाखों की लूट के बाद बुजुर्ग महिला कृष्णा देवी की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने इस मामले में कृष्णा देवी के पति के केयर टेकर रह चुके शख्स और उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि चौथा भी फरार है। ये है पुलिस की गिरफ्त में मुख्य आरोपी धीरज और उसका साथी हंसराज और अमन उर्फ चुन्नू, जबकि अभी इस मामले में सुमित फरार है। पुलिस के अनुसार कृष्णा देवी के पति की एक साल पहले मौत हो गई थी। मौत से पहले धीरज उनकी देखरेख करने के लिए रखा हुआ था। इस दौरान उसे सारी चीजों की जानकारी मिल गई थी कि कहां कैश रखा जाता है। कृष्णा देवी की पति की मौत के बाद नया काम नहीं करता था। धीरज को पैसे की जरूरत थी। उसने अपने साथियों के साथ ये प्लान बनाया और 7 जुलाई को दिन दहाड़े उस समय कृष्णा देवी के घर पहुंच गए जब कोई नहीं था, और लूटपाट के दौरान दो लोगों ने कृष्णा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी और करीब 12 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए, जिसमें से पुलिस ने लगभग 6.5 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए मृतका कृष्णा देवी के करीब 50 रिलेटिव और दोस्तों से पूछताछ की, तब उन्हें धीरज पर शक हुआ। अब इस मामले में सुमित की तलाश जारी है। पश्चिम बिहार में एक सीनियर सिटीजन महिला का मर्डर हुआ था और घर में रॉबरी भी हुई थी। इसके बाद ये काफ़ी ब्लाइंड केस था, इसके बारे में कोई सुराग शुरू में नहीं लगा था। लीड हमारी जो टीम थी इंटरोगेशन में काफ़ी दक्ष टीम है, काफ़ी माहिर टीम थी, और इस टीम ने लगभग 40 से 50 लोगों को एग्जामिन किया अलग अलग तरीके से, और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान सूत्र जुड़ते चले गए और फिर फाइनली धीरज के ऊपर आकर के शक्ति सुनील बैठा गए। इन्होंने प्लान किया कि दोपहर के समय महिला अक्सर अकेली रहती है, इनके घर में एंट्री की। अमन और सुमित ने इनके घर जा कर के पहले महिलाओं को बांधने की कोशिश की, उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो गला दबा करके उनको उनकी हत्या कर दी और उनके घर में से लगभग 12-13 लाख रुपए लूट कर ले गए। दिल्ली के पश्चिम बिहार से नरेश सिंह की रिपोर्ट, सच दर्शन।